वेलकम टू द मैनेजमेंट क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लोग बोमोल्स की सेल्स मैक्सिमाइजेशन मॉडल को डिस्कस करेंगे। इस मॉडल को हम लोग रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन भी कहते हैं। देखिए, बोमोल ने 1967 के अंदर एक किताब लिखी थी जिसका नाम था बिजनेस बिहेवियर वैल्यू एंड ग्रोथ। बिजनेस बिहेवियर वैल्यू एंड ग्रोथ, उस किताब के अंदर उन्होंने एक मैनेजेरियल थ्योरी को रिप्रेजेंट किया था जो बेस करती थी सेल मैक्सिमाइजेशन के ऊपर। देखिए, जनरली होता क्या है, हम लोग अगर कोई बिजनेस चला रहे हैं, हमारा मेन एम होता है प्रॉफिट कमाना, ज्यादा से ज्यादा हम प्रॉफिट कमाएं। ठीक है, ये थ्योरी कहती है कि ठीक है, प्रॉफिट कमाइए, एक सेट कर लीजिए एक जगह पर, लेकिन उसके बाद आप सेल को मैक्सिमाइज कीजिए। जितनी ज्यादा सेल को मैक्सिमाइज करेंगे उतनी ज्यादा आपकी फर्म की वैल्यू बढ़ेगी। और करते ये है इसके अंदर के एक, ये मान लीजिए ये आपका प्रॉफिट है, तो एक प्रॉफिट को सेट कर लिया उन्होंने एक जगह के साहब, यहां हमें प्रॉफिट चाहिए। उसके बाद वो ये देखेंगे सेल कहां मैक्सिमाइज हो रही है। अगर हमारा प्रॉफिट यहां है, मैक्सिमम पे पहुंच गया है, अब चाहे आगे जा हमें या कम मिल रहा हो या ज्यादा मिल रहा हो, लेकिन अगर हमारी इस लाइन को टच कर गया है तो हम वहां सेल को मैक्सिमाइज करता हुआ देखेंगे। यानी हम प्रॉफिट को फिक्स कर लेते हैं कि इतना प्रॉफिट चाहिए, और उसके बाद हम ये कोशिश करते रहते हैं कि इतना प्रॉफिट मिलते हुए कितनी सेल्स को हम ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, बोमोल ने बेसिकली दो मॉडल दिए थे इसके अंदर। एक तो उन्होंने दिया था स्टैटिक मॉडल, एक स्टैटिक मॉडल दिया था जो कि सिंगल प्रोडक्ट पर था, और दूसरा मॉडल था डायनामिक जो जहर एक सिंगल पे होगा तो दूसरा मल्टीपल प्रोडक्ट पे है। अब दोनों मॉडल के अंदर अलग अलग इसको डिफाइन किया गया है। एक में किया गया है एडवर्टाइजमेंट के साथ और दूसरा विदाउट एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, इसी तरीके से ये जो मल्टीपल वाला है ये भी एडवर्टाइजमेंट के साथ और विदाउट एडवर्टाइजमेंट के साथ किया है। जाहिर है हम आगे चलेंगे तो हम सारे मॉडल देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं स्टैटिक मॉडल, यानी सिंगल प्रोडक्ट विदाउट एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, अभी जो हम बात करेंगे वो हम सिर्फ इस मॉडल की बात कर रहे हैं। अच्छा, इससे पहले जाहिर है हम जब इस मॉडल को डिस्कस करेंगे तो इसके अजम्पशन देख लें ताकि हमें आगे समझने में आसानी हो। अजम्पशंस, देखिए इसमें बेसिकली चार अजम्पशंस लिए गए, अलग अलग जगहों पे आपको और मिल जाएंगे, आप देख लीजिएगा। मैं यह चार अजम्पशंस को डिस्कस कर रहा हूं। पहला है द टाइम होरिजोन ऑफ द फर्म इज ए सिंगल पीरियड, यानी जो फर्म का जो टाइम पीरियड है, एक टाइम एक स्पैन लेके चलेंगे हम, वो हम एक सिंगल पीरियड ले रहे हैं, रिपीट नहीं कर रहा है, एक ही पीरियड में हम पूरी स्टडी करेंगे। दूसरा वाला है द फर्म एम्स एट मैक्सिमाइजिंग द टोटल सेल्स रेवेन्यू इन द लॉन्ग रन सब्जेक्ट टू ए प्रॉफिट कॉन्स्ट्रेंट। प्रॉफिट को एक जगह सेट करके फर्म जो है वो लगातार अपने सेल या सेल्स रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेगी, ये हमारा अजम्पशन है। थर्ड, द फर्म्स मिनिमम प्रॉफिट कॉन्स्ट्रेंट इज सेट कंपिटिटिवली इन द टर्म्स ऑफ करंट मार्केट वैल्यूज ऑफ द शेयर। जाहिर है देखिए, हमें एक लेवल तक तो प्रॉफिट चाहिए ना, अगर हम बिल्कुल प्रॉफिट नहीं लेंगे तो फिर हमारे शेयर होल्डर्स को तो लॉस होगा, तो हमें उनका ख्याल रखना होगा। तो जो भी उस वक्त की करंट शेयर की वैल्यू होती है उसके हिसाब से हम अपने प्रॉफिट को फिक्स कर लेते हैं कि हाँ, ये चीजें हम सेटिस्फाई कर देंगे। उसके बाद फिर हम कोशिश में लग जाते हैं अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए। चौथी बात है
द फर्म इज ओलिगोपोलिस्टिक हुज कर्व्स आर यू शेप. सॉरी, फर्म जो है ओलिगोपोलिस्टिक है और जो उसके कर्व्स है वो यू शेप्ड है. एंड द डिमांड कर्व इट्स डाउनवर्ड स्लोपिंग, जो हमेशा होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है. एंड टोटल कॉस्ट एंड रेवेन्यू कर्व आर ऑल्सो कन्वेंशनल टाइप. इस पॉइंट को हम क्लियर करेंगे जब हम इस मॉडल को फिगर से समझ रहे होंगे. ठीक है, अब हम मॉडल की बात करते हैं. देखिए, आपने देखा होगा जब बहुत पहले की अगर आप कुछ किताबें पढ़ी हो आपने, तो एक सिस्टम हुआ करता था बिजनेस का. मैंने एक बिजनेस खोला और उसमें मैं खुद मैनेजर हूं, मैं खुद डायरेक्टर हूं, मैं खुद सीईओ, सब कुछ मैं खुद हूं, सब मेरे एम्प्लॉयज हैं और मैं अपने सबसे काम ले रहा हूं. यही सिस्टम हुआ करता था. लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि जब फर्म्स सोचने लगी कि नहीं, हमें जो है वो सेल्स मैक्सिमाइजेशन पर जाना है, जो बोमोल ने आइडिया दिया, तो लगा कि अब एक मैनेजर को हायर किया जाए जो सेल्स को टेक्निकली देखेगा, सेल्स रेवेन्यू को टेक्निकली देखेगा और उसको इंप्रूव करेगा. तो ओनर्स ने मैनेजर्स को हायर करना शुरू कर दिया और मैनेजर्स की बड़ी वैल्यू होती है, बहुत हाई सैलरीज होती है उनकी. ठीक है, उनको कहा जाता है कि आप सेल को मैक्सिमाइज कीजिए, सेल्स रेवेन्यू को मैक्सिमाइज कीजिए, इवन एट द एक्सपेंस ऑफ प्रॉफिट. यानी कुछ परसेंट अगर आपको प्रॉफिट सेक्रीफाइस करना पड़ता है तो भी करिए, लेकिन सेल को मैक्सिमाइज करिए. जैसे मैंने बताया, हमने अजम्पशन में ही लिया कि हमने प्रॉफिट तो एक जगह सेट कर लिया है. बमोल्स का यह कहना है कि जो हमारी रेवेन्यू सेल्स मैक्सिमाइजेशन है वो फर्म के एक्चुअल बिहेवियर से कंसिस्टेंट है. जो फर्म का एक एक्चुअल बिहेवियर है उससे ये आइडिया जो है जिससे कि हम सेल को मैक्सिमाइज कर रहे हैं उससे कंसिस्टेंट होता है. ठीक है, बोमोल ने इसके लिए एग्जाम्पल दिए, उन्होंने काफी आर्गुमेंट्स दिए अलग अलग उसके अंदर. उन्होंने ये भी कहा कि जो शॉर्ट रन के अंदर रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन होता है वो कंसिस्टेंट होता है लॉन्ग रन में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से. रिपीट कर रहा हूं, जो शॉर्ट रन में रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन है वो लॉन्ग रन के प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से कंसिस्टेंट है, लेकिन जो सेल्स मैक्सिमाइजेशन है वो दोनों से रिगार्ड करती है, वो लॉन्ग रन में भी और शॉर्ट रन में भी करती है, जिससे कि जाहिर है जो एक मैनेजमेंट का गोल होता है. अब देखिए, अब आर्गुमेंट देखें इसमें कि बोमोल ने क्या क्या आर्गुमेंट्स दिए हैं. आर्गुमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ हिज मॉडल. बहुत सारे आर्गुमेंट दिए, उसमें से कुछ में लिए हैं, कुछ मैंने लिए हैं. जैसे पहली बात आप देखिए कि जो टारगेट दिया जाता है मैनेजर को, यानी उनकी सैलरीज जो तय की जाती हैं वो सेल्स मैक्सिमाइजेशन को कोरिलेट करती हैं. आपने देखा होगा, आप रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं जो जॉब्स करते हैं, खासतौर से बैंक में आपने ये चीज देखी होगी कि साहब उनको एक टारगेट मिला होता है, ये टारगेट पूरा करेंगे तो इतनी सैलरी है ना. बैंक में आप देखिए वो क्रेडिट कार्ड्स वगैरह बेचते हैं कि साहब महीने में इतने क्रेडिट कार्ड बेचने हैं, इतना लोन सेल करना है, इतनी सेल करनी है. सारे के सारे टारगेट्स सेल्स से कोरिलेटेड होते हैं, प्रॉफिट से कोई नहीं होता. कभी आपने नहीं सुना होगा किसी एम्प्लॉय को प्रॉफिट दिया गया है कि वो एम दिया गया है कि इतना प्रॉफिट लेके आओ. सेल को मैक्सिमाइज किया जाता है. ठीक है, दूसरी बात, वो फर्म्स जिनकी सेल्स ज्यादा होती है और ग्रोइंग होती है उन पर बैंक ट्रस्ट करते हैं और उनको जब चाहिए जितना चाहिए फाइनेंस दे देते हैं. तो यानी अब ये जो है आपका सेल्स मैक्सिमाइजेशन, ये बैंक्स के अंदर भी कॉन्फिडेंस पैदा करता है. ठीक है, तीसरी बात, वो फर्म्स जिनके अंदर सेल ज्यादा हो या सेल ग्रोइंग हो उसके अंदर वर्कर्स की प्रॉब्लम को सेटिस्फैक्ट्रीली रिजॉल्व किया जाता है. ठीक है, एक प्रॉस्पेरिटी चल रही है, कोई प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी. हर लेवल के एम्प्लॉयज को हायर सैलरीज होती हैं, हायर वेजेस होती हैं और बेटर टर्म्स ऑफ ट्रेड दिए जाते हैं. चौथी बात, वो फर्म्स जहां पर सेल्स मैक्सिमाइज्ड होती है, ज्यादा होती है, ग्रोइंग होती है, वहां के मैनेजर्स की
काफी वैल्यू होती है। अब जनरली आपने सुना होगा ये फलाना आदमी है, इसने ये फर्म छोड़ के ये वाली फर्म ज्वाइन की है, और जब से इसने ये फर्म ज्वाइन की है फर्म्स का सेल्स बढ़ती चली जा रही है। जनरली हम लोग सेल्स की बात करते हैं, ठीक है, जबकि जो प्रॉफिट है, जो रेवेन्यू है, वो मैनेजर की जेब में नहीं जा रहा है, वो तो सारा का सारा शेयर होल्डर्स की जेब में जा रहा है, ठीक है। बट ही इज गेटिंग व्हाट ही इज डूइंग, उसको बहुत अच्छी एक हैंडसम सैलरी मिल रही है, ठीक है। नेक्स्ट है, मैनेजर प्रीफर ए स्टेडी परफॉर्मेंस विद द सेटिस्फैक्ट्री प्रॉफिट टू ए रिमार्केबल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्रोजेक्ट। वो कहते हैं कि प्रॉफिट जो है वो कम हो और स्टेडी हो, बहुत ज्यादा प्रॉफिट एकदम नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए अगर एक पीरियड के अंदर आपको बहुत हाई प्रॉफिट मिल गया तो दूसरे पीरियड्स में आगे क्या होगा, वहां आपको प्रॉब्लम होगी। छठी बात, जिन फर्म्स में सेल्स ग्रोइंग होती है और बहुत ज्यादा मैक्सिमाइज्ड होती है और अभी ग्रो कर रही होती है, वो मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव होती हैं, और जाहिर अगर नहीं है तो वो बार्गेन तक नहीं कर सकती हैं और प्रॉब्लम हो जाती है बहुत ज्यादा उनके लिए, ठीक है। तो ये कुछ रीजन है, जो आर्गुमेंट है जो बमोल ने दिए, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि फर्म्स को जो है वो सेल्स मैक्सिमाइजेशन पर काम करना चाहिए, ना कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पर। यहां जो बमोल ने सेल्स मैक्सिमाइजेशन की बात की है, बेसिकली उनका मतलब है कि आप सेल्स रेवेन्यू को मैक्सिमाइज कीजिए। ऐसा नहीं कि आप सेल मैक्सिमाइज कर रहे हैं किसी भी प्राइस पर, पैसा आ नहीं रहा है, प्रॉफिट सेल्स रेवेन्यू आ नहीं रहा है और आप सेल्स मैक्सिमाइज कर रहे हैं। सेल्स रेवेन्यू को मैक्सिमाइज कीजिए, यानी जो हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं उससे पैसा आए हमारे पास, वो पैसे को मैक्सिमाइज कीजिए, ठीक है। अच्छा, होता क्या है, जो हमारा इक्विलिब्रियम का सिस्टम है सारी मार्केट में हमने देखा होगा, वो क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। एआर हो गया, एमआर हो गया, ये आपका मार्जिनल कॉस्ट हो गई और ये आपकी एवरेज कॉस्ट हो गई, ठीक है। बेसिकली हम क्या कहते हैं कि जहां पर ये मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट टकरा रहे हैं, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये हमेशा मान के चलते हैं, ठीक है। बमोल कहते हैं इसके अंदर कि इससे आगे जाइए, होगा क्या, अगर आप इस इक्विलिब्रियम पॉइंट से आगे अपनी सेल को मैक्सिमाइज करेंगे तो आपका प्रॉफिट कम होगा, यानी कुछ प्रॉफिट आपको सेक्रीफाइस करना होगा। यहां ओलिगोपोलिस्ट यही चाहते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, आप इसको आगे बढ़ाइए, पहले तो ये हमारी क्वांटिटी हो गई, करें कि नहीं आगे ले जाइए जहां पर हमारी एमआर जीरो हो जाए और आप यहां आ जाइए, इतना प्रोड्यूस कीजिए आप, यानी उसके आगे प्रोड्यूस कीजिए जहां पर हमारी मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो जीरो हो जाए। यानी हम ये कह सकते हैं कि आउटपुट एट विच इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूनिटी कहिए उसको, यहां पर मार्जिनल रेवेन्यू आपका जीरो हो गया, ठीक है। तो इस मॉडल को समझने के लिए मैं एक फिगर बना लेता हूं और उस फिगर से फिर हम समझेंगे कि ये मॉडल किस तरह काम करता है, ठीक है। चलिए, तो मैंने फिगर बना ली है, अब इस फिगर के जरिए समझते हैं कि ये मॉडल किस तरह काम करता है। देखिए, इस पर मैंने वर्टिकल एक्सिस पर टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट और प्रॉफिट लिया है और हॉरिजॉन्टल पर आउटपुट लिया है। ये जो कर्व्स लिए हैं, ये कोई भी आप अगर डेटा लीजिए, उस डेटा को उस टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट और टोटल प्रॉफिट पर जब आप कैलकुलेट करेंगे तो उनके यही शेप आएंगे। देखिए, ये ब्लू वाला हमारा टोटल रेवेन्यू कर्व है, जो बेसिकली फर्म्स एम बनाकर चलती हैं कहां हाईएस्ट टोटल रेवेन्यू हो, जो सेल्स रेवेन्यू है। ये जो रेड वाला है, ये हमारी टोटल कॉस्ट कर्व है। तो जाहिर है हम कॉस्ट कर्व को भी देखते हुए चलेंगे, कोई भी चीज अगर कॉस्ट से, अगर मान लीजिए प्राइस कॉस्ट से ऊपर निकल रहे तो लॉस है, तो हमें कॉस्ट कर्व को भी देखते हुए चलना है। और ये जो ब्लैक वाला है, ये हमारा टोटल प्रॉफिट कर्व है, यानी इसी से हम ये देखेंगे कहां हमारा प्रॉफिट है। जाहिर है हर फर्म चाहती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाऊं, मैं बिजनेस खोलूंगा तो प्रॉफिट ही कमाना चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा। तो अगर मान लीजिए मैं ये बात मानकर चल रहा हूं कि मेरा प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो, तो मैं OQ प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करूंगा, OQ, जहां मेरा रेवेन्यू कितना हो जाएगा, QB। एक QB, अगर एक QB यहां मैं कह रहा हूं, इसका मतलब ये यहां है ना, यहां आ रहा है ये, तो O और यहां जो भी पॉइंट रखे इसको लीजिए, या QB ये बराबर होगा इसके, तो मैंने कहा QB, ठीक है। लेकिन एम क्या है, यहां जो बोमोल की ओलिगापोली है,
उसमें एम क्या है उनका, एम है सेल्स मैक्सिमाइजेशन। अब वो ये देखेंगे कि कहां पर सेल मैक्सिमाइज हो रही है। अब अगर आप इस कर्व पे देखिए तो एल पॉइंट पर सेल मैक्सिमाइज हो रही है। वो एल पॉइंट को जब आप नीचे अपने आउटपुट लाइन से मिलाएंगे तो हम के पर आएंगे। यानी अब अगर सेल को मैक्सिमाइज करना है तो आउटपुट हो जाएगा ओके, ठीक है, और टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा, के एल, है ना। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यह है कि हम सेल को तो बढ़ाएंगे मैक्सिमम तक, लेकिन हम अपने प्रॉफिट को एक जगह सेट करेंगे, यानी सेल को मैक्सिमाइज करेंगे लेकिन प्रॉफिट कॉन्स्ट्रेंट पर। हमें एक प्रॉफिट को सेट करना होगा कि इतना प्रॉफिट हमें अटेन करना है, उसके ऊपर सेल मैक्सिमाइज करेंगे। तो ये जो लाइन हमने ली है ये मिनिमम प्रॉफिट है, मिनिमम प्रॉफिट लाइन हमने ली है, यानी इतना प्रॉफिट तो हमें लेना ही लेना है, ओपी प्रॉफिट तो चाहिए ही चाहिए। अब आप ये देखिए कि यहां पर के एस प्रॉफिट मिल रहा है आपको, जो हमारे मिनिमम प्रॉफिट से कम है। तो किसी भी हाल में हम ओक्यू प्रोडक्ट को प्रोड्यूस नहीं कर सकते और के एल टोटल रेवेन्यू ले, क्योंकि हमें मिनिमम प्रॉफिट नहीं मिल रहा। मिनिमम प्रॉफिट अगर नहीं मिलेगा तो हम शेयर होल्डर्स को क्या देंगे, बहुत सारी चीजें हैं, हमें डे टू डे काम के लिए पैसा चाहिए होता है। यानी कोई भी फर्म चल रही है उसके एक्सपेंसेस तो होते हैं ना, डे टू डे वाले सब, और जो प्रॉफिट है वो देना है, बहुत सारे काम है, वो कहां से निकलेंगे। इतना प्रॉफिट तो हमें चाहिए चाहिए। अब करेंगे ये कि ये वापस चलेंगे आउटपुट को यहां से, और ये देखेंगे कि वो कौन सा पॉइंट है जहां पर हम मिनिमम प्रॉफिट लाइन से टच कर रहे हैं, और वो हम आकर सी पर कर रहे हैं, जहां पर हमारी कॉस्ट भी इक्वल हो जाती है टोटल प्रॉफिट के। ठीक है, हम वापस आए और हमने देखा कि जो हमारा डीसी, जो हम इसके इक्वल भी कह सकते हैं ओपी है, ये हमारा मिनिमम प्रॉफिट अटेन हो गया। अब उस पर हम देखें कि इस प्रॉफिट पर हमारा टोटल रेवेन्यू कितना है। अब देखिए हमारी टोटल रेवेन्यू बन के आ गया डीई। जाहिर है ये नया रेवेन्यू निकल कर आया हम, यानी अब हम डीई रेवेन्यू लेंगे और प्रोड्यूस क्या करेंगे हम, ओडी। समझ रहे हैं बात को। इस पॉइंट पर हमारा जो मिनिमम प्रॉफिट है वो हमने अटेन कर लिया है, और उस मिनिमम प्रॉफिट पे जो भी मैक्सिमम आउटपुट है वो हमने ले लिया। अब आप अगर देखिए जहां पर प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है वहां क्वांटिटी कम है एज कंपेयर टू द पॉइंट वेयर द सेल्स इज मैक्सिमाइजिंग। वो पॉइंट जहां पर प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है वहां आउटपुट कम है, और वो पॉइंट जहां सेल्स मैक्सिमाइज हो रही है वहां आउटपुट ज्यादा है। ठीक है, इसको इस तरह भी देखिए, अगर इस लाइन को आप ऊपर बढ़ाइए तो आप क्या देखेंगे, आप देखिए यहां जो आपका ओक्यू तो आपको मिल रहा है लेकिन आपका आउटपुट जो है वो आपका कम है, इस वाले से आउटपुट आपका कम है। अगर कोई फर्म, बोमोन ने कहा कि अगर कोई फर्म ऐसा करती है कि वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करती है और वहां पर जाकर अपने आउटपुट को सेट करती है, तो इसका मतलब वो दूसरी फर्म्स को कंपनसेट, देखिए हम ओलिगोपोली की बात कर रहे हैं यहां पर, वो दूसरी फर्म्स को कंपनसेट कर रही है, उन सेल्स मैक्सिमाइजर को कंपनसेट कर रही है कि वो अपने प्राइस को घटाएं और अपने आउटपुट को इंक्रीज करें, इसलिए सारे के सारे इसी पर काम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये मॉडल ऐसे ही, मुझे उम्मीद है ये समझ में आया होगा आपके। इसके दो तीन क्रिटिसिज्म और है, उसको डिस्कस कर ले फिर ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। मैं ऐसे ही बता देता हूं, क्रिटिसिज्म आप किसी भी सोर्स से पढ़ लीजिएगा। देखिए पहली बात पे इसको क्रिटिसाइज इसलिए किया गया कि इसके अंदर कॉस्ट
और डिमांड फंक्शन किसी भी इंडिविजुअल फर्म के डिस्कस नहीं किए गए, हम ओली का पोली की बात कर रहे हैं, लेकिन इंडिविजुअल फर्म्स के भी कॉस्ट फंक्शन होते हैं, डिमांड फंक्शन होते हैं, उसमें इसकी बात नहीं कही गई है। तो एक तो इस पॉइंट पे इसको क्रिटिसाइज किया गया। दूसरी, ओलिगोपोली की फर्म्स की जो इंटरडिपेंडेंस है उसको यहां पर बिल्कुल अवॉइड कर दिया गया है। आप कहीं मॉडल में नहीं देखेंगे कि सब ओलिगोपोली के अंदर फर्म है वो आपस में एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है, सब अपने अपने डिसीजन को लेकर चल रहे हैं, प्राइस वॉर चलती है, कोई इसका डिस्कशन यहां पर नहीं है। तीसरी बात, जो अनसर्टेनिटीज आती हैं ओलिगोपोली के अंदर उनका यहां कोई जिक्र नहीं है। दूसरी बात, अगली बात, जो फर्म और इंडस्ट्री के बीच में एक रिलेशन होता है कि फर्म कहां काम कर रही है और इंडस्ट्री किधर जा रही है, उसका कोई जिक्र यहां नहीं। यहां माना देख, जर्नली सारी फर्म्स प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करके चलती हैं, लेकिन यहां एक साथ मान लिया गया कि सारी फर्म्स सेल को मैक्सिमाइज लेकर चल रही हैं, पर इंडस्ट्री कहां जा रही है, इसका यहां कोई डिस्कशन नहीं किया गया। दूसरी चीज, जो फर्म्स के ओनर्स हैं, जो फर्म्स के ओनर्स हैं वो तो प्रॉफिट ज्यादा मांगेंगे, सेल्स होने कोई मतलब नहीं है। वो कहेंगे मैम मुझे, मैंने पैसा लगाया, मुझे तो प्रॉफिट दो, मुझे सेल्स बढ़े ना बढ़े। और प्रोफेसर हॉल ने भी अपना इस थ्योरी को एनालाइज किया, उन्होंने इस एनालिसिस के अंदर बनाया कि सारी फर्म जनरली ऐसा नहीं होता कि वो अपना ऑब्जेक्टिव ही सेल मैक्सिमाइजेशन बना ले, ठीक है। और लास्ट पॉइंट जिस पर इसको क्रिटिसाइज किया गया, इसके अंदर टोटली कॉम्पिटिशन को इग्नोर किया गया है। कॉम्पिटिशन इसके अंदर डिस्कस नहीं किया गया कि कॉम्पिटिटिवली ऊपर जा रही है फर्म्स या नीचे जा रही है, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी ये कहा जाता है कि इसके अंदर काफी क्रिटिसाइज है, क्रिटिसिज्म बहुत लोगों ने अलग अलग तरह से क्रिटिसाइज को किया गया है, लेकिन फैक्ट ये है कि उसके बावजूद भी ये एक इंपॉर्टेंट गोल है फर्म्स का इन द प्रेजेंट डे बिजनेस वर्ल्ड। आज लोग ज्यादातर, आप देखिए वर्ल्ड के अंदर सारी फर्म्स जितनी कोशिश कर रही हैं वो सेल्स को मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रही हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है पूरा मॉडल समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।